नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो वहां उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचा था, तभी गार्ड ने उसे पहचाना और पुलिस एक्शन में आई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर विकास दुबे को धर दबोचा। कानपुर एनकाउंटर का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हो गया। वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर बाहर ही निकला था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सबसे पहले महाकाल मंदिर के गार्ड ने पहचाना, जिसके बाद वहां की पुलिस एक्शन में आई और उसे वहीं धर लिया। कानपुर के चौबेपुर में घटना को अंजाम देकर फरार विकास पहले दिल्ली NCR पहुंचा, लेकिन पुलिस की जबरदस्त दबिश के बाद वह फिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला पहुंचा, जहां उसे MP पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे को मंगलवार को दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में देखा गया था, लेकिन जब पुलिस वहां छापा मारने पहुंची तो वहां से निकल चुका था। कुख्यात अपराधी को पकड़ने में लगी स्पेशल टास्क फोर्स ने कंफर्म किया कि फरीदाबाद में जो शख्स CCTV में दिख रहा है वो विकास दुबे था। इसके बाद गुरुग्राम में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद वहां से गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश की तरफ भाग निकला था। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि उसने खुद सरेंडर किया है, हालांकि इस पर कुछ कंफर्म जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचकर खुद को विकास दुबे कहकर चिल्लाने लगा। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और फ्रीगंज थाने ले गई। इसके बाद यूपी पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। उसकी गिरफ्तारी की एक फोटो भी यूपी पुलिस के पास भेजी गई, जिसके बाद पुष्टि हुई कि वही विकास दुबे है। बुधवार को फरीदाबाद और NCR में लोकेशन मिलने के बाद आखिर उज्जैन में कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अब उज्जैन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस के पहुंचते ही उसकी ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज।